नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक 24। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपनी चरम सीमा पर है। प्रत्याशियों ने जनसभा और जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। अगर बात उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा संसदीय क्षेत्र की करें तो बदायूं शहर में श्री सुख पैलेस में हुए आयोजन में यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की। यहां संघमित्रा मौर्य से बात की हमारे कैमरामैन पुष्पक सक्सेना के साथ संवाददाता विजय शर्मा ने। बदायूं में चुनाव लड़ना चुनौतीपूर्ण जी मैनपुरी से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर भी हमने माननीय जी की खटिया खड़े बिस्तर गोल किया था जी। और यहाँ पर भी खटिया खड़े बिस्तर गोल है। आजकल धर्मेंद्र यादव जी को नींद नहीं आ रही है। रात को 2:30 बजे होकर के वो बिस्तर पे पूछते हैं संघमित्रा तो नहीं आ गई क्षेत्र, तो हालत इस वक्त सबकी खराब है। इसलिए चुनौती हमारे लिए नहीं उनके लिए। मैम यहाँ पे जो सर्वे किया था युवा आपके कितने पक्ष में है? सर्वे हम लोग भी करते हैं, मतलब ऐसे ही जो जो फील्ड में आप जाके एक प्रचार कर रहे हैं अपना उस हिसाब से हमारे साथ में हर वर्ग, कोई हमें बेटी के रूप में आशीर्वाद दे रहा है तो कोई हमें बहन के रूप में आशीर्वाद दे रहा है और छोटे छोटे बच्चे हमें बुआ के रूप में कह रहे हैं कि आप सांसद बनिए। धन्यवाद। दस्तक 24 की तरफ से कैमरामैन पुष्पक सक्सेना के साथ विजय शर्मा, बताइए।